टी20 विश्व कप महाकुंभ का भारत दूसरी बार बना सरताज, दक्षिण अफ्रीका को पछाड़, चमके रोहित के जांबाज। दोस्तों 2023 विश्व कप में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर फाइनल में हार के गम ने भारतीय टीम को एक घायल शेर बना दिया था और भारतीय टीम के प्रतिष्ठा के लिए टी20 विश्व कप का नवा संस्करण में उसी प्रदर्शन को कायम रखना और दोहराना कहीं ना कहीं भारतीय टीम की एकजुटता को प्रदर्शित करता है और टी20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत का फाइनल जीतना भारतीय खिलाड़ी की मानसिकता, भारतीय खिलाड़ियों की एकजुटता और जुझारूपन ने लगभग हारी हुई बाजी को खींचकर भारतीय खेमे में वापस लाना आकाश से ताड़े तोड़कर लाने से कम दुष्कर कार नहीं था। उस कठिन समय में भारतीय कप्तान ने जिस ढंग से धैर्य धीरज संयम का परिचय देते हुए अपने नेतृत्व क्षमता को दर्शाया वह कार्य किसी मंझवे कप्तान की बस की बात थी। कप्तान रोहित शर्मा ने जब 30 गेंदों पर दक्षिण अफ्रीका को 30 रनों की जरूरत थी और मैच लगभग भारत के हाथों से निकल चुका था, तब जिस मानसिकता के साथ हार्दिक पांड्या को गेंदबाजी की बागडोर सौंपी और हार्दिक पांड्या ने अपने कप्तान के विश्वास पर 16 आने खरा उतरते हुए हेनरी क्लासेन को ऋषभ पंत के हाथों कैच कराकर जो आघात दिया, इस आघात के चोट ने दक्षिण अफ्रीका को ऐसा हाथाहाथ किया कि अंतिम गेंद तक संभालने का कोई सार्थक मौका ही नहीं मिल पाया और 15वें ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका के लिए 30 रन बनाना नागवर गुजरा और भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से पराजित कर टी20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट का नवा संस्करण जीतकर 13 साल की आईसीसी विश्व कप ट्रॉफी न जीतने के अकाल को समाप्त कर टी20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट को 17 वर्षों के बाद दूसरी बार जीतकर 145 करोड़ भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को विश्व कप विजय का प्यारा सा तोहफा आखिरकार देकर 2023 विश्व कप में पराजय के जख्म को भर दिया। संयोग देखिए, जब भारतीय टीम ने पहली बार टी20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीता था तब स्थान था दक्षिण अफ्रीका और वर्ष था 2007 और जब 17 वर्षों बाद दूसरी बार टी20 टूर्नामेंट जीता तब टीम थी दक्षिण अफ्रीका और जीत का अंतर रहा 7। क्या यह किसी एक संयोग से कम है? भारत के प्रथम टी20 विश्व कप विजेता के गवाह रोहित शर्मा और द्वितीय विश्व कप विजेता टीम के कप्तान रोहित शर्मा। रोहित ने किंगस्टन ओवल बारबाडोस में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका यह फैसला कारगर नजर आ रहा था मगर मैच के दूसरे ही ओवर में केशव महाराज ने पहले रोहित शर्मा को फिर ऋषभ पंत को आउट कर भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। अभी भारत का स्कोर 34 रन पर था तभी रबाडा ने 5वें ओवर में सूर्यकुमार यादव को आउट करके भारत के लिए एक और संकट पैदा कर दिया। अब भारतीय टीम का सारा दारोमदार किंग कोहली के कंधों पर निहित था। कोहली का साथ देने आए अक्षर पटेल ने 31 गेंदों में 47 रन के बेस कीमती पारी खेला मगर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद सीएम दुबे ने विराट कोहली के साथ लगभग 5.1 ओवर में 57 रन जोड़कर लगभग अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया। पूरे टूर्नामेंट में विराट का बल्ला तब चला जब वाकई भारतीय टीम को आज प्रतिष्ठा बचाने के लिए अति आवश्यक था कि कोहली ने 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से 59 गेंदों में 76 रन बनाकर भारत को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया और भारत की पूरी टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 146 रन बनाकर 177 रनों का विजय लक्ष्य दिया था। जब दक्षिण अफ्रीका की टीम ने अपने पारी का श्रीगणेश किया तब दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर बुमराह ने रिचा हेडिंग्स को और तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने कप्तान मार्करम को पवेलियन भेजकर सकते में डाल दिया। इसके बाद क्विंटन डेकॉन और ट्रिस्टन स्टब ने 6.2 ओवर में 58 रन जोड़कर भारत को बैकफुट पर डाल दिया मगर हेनरी क्लासेन के मैदान पर आते ही चौकों छक्कों की बौछार होने लगा और पूरी तरह से मैच दक्षिण अफ्रीका के गिरफ्त में आ चुका था क्योंकि अक्षर पटेल के द्वारा फेंके गए 15वें ओवर में 24 रन ठोककर मैच को अपने पक्ष में मोड़ दिया था मगर 17वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक ने क्लासेन को पंत
के हाथों कैच करा, भारत को एक बार पुनः मैच में वापस करा, राहत की सांस दिला दी। क्लासन के आउट होते ही दक्षिण अफ्रीका के फाइनल जीतने के प्रयास को ऐसा झटका लगा कि अंत तक दक्षिण अफ्रीका की टीम इस T20 विश्व कप को जीतने के बारे में सोचना ही भूल गई। हालांकि डेविड मिलर ने कोशिश की, लेकिन सूर्यकुमार यादव के करिश्माई कैच ने दक्षिण अफ्रीका की रही सही उम्मीद पर ऐसा पानी फिरा कि पहली बार 32 वर्ष के बाद ICC ट्रॉफी जीतने का सपना ही भूल गए। अंतिम 5 ओवर भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक सुखद परिणाम लेकर आया, जो भारतीय कप्तान की कुशल नेतृत्व क्षमता के साथ ही साथ भारतीय गेंदबाजी की कुटिलता और चतुराई भरी गेंदबाजी का परिणाम रहा कि दक्षिण अफ्रीका बल्लेबाज रन बनाने में नाकामयाब रहे और विकेट भी गंवाते चले गए। अंततः निर्धारित 20 ओवर की समाप्ति के पश्चात 8 विकेट पर 159 रन बनाकर 7 रनों से मैच हार कर पहली बार ICC ट्रॉफी जीतने के अरमानों की तिरंजलि देना पड़ा। भारत के लिए एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 18 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट लिया और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया, जबकि किंग कोहली को मैन ऑफ द मैच के सम्मान से सुशोभित किया गया। भारतीय टीम को T20 विश्व कप टूर्नामेंट 2024 जीतने के लिए N7 स्पोर्ट्स के पूरे फैमिली की ओर से बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं एवं कोटि कोटि बधाई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, और वीडियोस इससे संबंधित बहुत जल्दी आपके अपने YouTube चैनल N7 स्पोर्ट्स में आने वाले हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, भारतीय टीम को एक बार फिर से जीतने के लिए बहुत 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 बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय क्रिकेट।